एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला मुख्यालय पर स्थित ऐतिहासिक हाकगंज बरंडा गिर गया है। दरअसल पास में ही जेसीबी से निर्माण कार्य किए जाने के चलते यह बड़ा हादसा सामने आया है। जानकारी के मुताबिक देर रात यह हादसा घटित हुआ। हादसा घटित हो जाने के पश्चात यहां पर बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। वहीं एक मजदूर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मालूम हो यहां पर कई दिनों से निर्माण कार्य किया जा रहा था और इसी निर्माण कार्य के चलते ऐतिहासिक हाकगंज बरंडा गिर गया है। बरंडा की इमारत गिरने के बाद यहां पर मलबे का ढेर लग गया। यहां पर आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस और रेस्क्यू टीम यहां पर मौके पर है, साथ ही जिले के आला अधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं। यहां पर अपर कलेक्टर सहित दमोह के पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत सीओ, तहसीलदार, कोतवाली थाना प्रभारी सहित पुलिस का अमला, प्रशासनिक अमला बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद है और यहां पर पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है, जिसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। लेकिन जिसके द्वारा यहां पर निर्माण कार्य किया जा रहा था, उसके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बातें भी सामने आ रही हैं। फिलहाल पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद होकर पूरे मामले में फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा है, जिसके बाद यहां पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज। मतलब तो ठीक है, लेकिन पीछे हो जाइए आप लोग, मैंने पीछे करो वहाँ के लोग, ये निवेदन है पीछे हो जाओ। एक एक पत्ता उठाओ और उस साइड ले जाओ, मलमई उठे लाइट, ये सर अर्थ दोनों चालू रहेंगे तो सर घटेगा।
रिक्स लेने का नहीं है। सर मैं खाना खा रहा हूँ ऊपर। अरे एक मिनट बैठा भैया, थोड़ा बिल्डिंग हिलगई जा, चाय लगाई बिल्डिंग हिलगई। यहाँ हादसा जेबीसी से बरंडा तोड़ा जा रहा था, उस बरंडा को तोड़ने से बरंडा पूरा नीचे गिर गया और जेसी में बैठा आदमी अब की जो कचू जता भाई उसे पता नहीं। ये काम किसका चल रहा था? एक स्वप्निल बजाज का। कितना समय हो गया काम होते? इसको हो गए 3 महीना से ऊपर हो गए। कोई रोक टोक प्रशासन की कोई कार्रवाई? कोई रोक टोक नहीं, कोई रोक टोक नहीं लगा प्रशासन ने। प्रशासन हर जगह खबरें गई है लेकिन किसी ने रोक टोक नहीं लगाई। और मैंने कभी आज इतना बड़ा हादसा हुआ है, 150 साल पुराना बरंडा गिरा है, पुरातत्व विभाग का है, अंग्रेजों के समय का। और ये क्रिमिनल है, क्रिमिनल। इसने 5 बहनों का हक मारा है, 5 बहनों का हक मार के अकेले पे काबिज हुआ है। जब वकील साहब की दशा बना के अभी से करीब 45 मिनट पूर्व ये दुर्घटना यहाँ पर घंटाघर के पास हुई है, जिसमें ये दमोह क्षेत्र की एक पुरानी बिल्डिंग है जो यहाँ की धरोहर मानी जाती है, इसको बरांडा के नाम से बोलते हैं यहाँ के लोकल लोग। जो अभी तक की जानकारी प्राप्त हुई है उसमें ये पता लगा है कि इस बिल्ड के इसके कंस्ट्रक्शन के पीछे एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन चल रहा था और उसकी तस्दीक अभी की जा रही है कि वो वैधानिक रूप से कितना कार्य कर रहे थे और कितना भी उसमें नगर पालिका के नियमों के अंतर्गत क्या उसमें अवैधानिकता थी उसकी तस्दीक अभी की जाएगी। उसके चलते ये एक दुर्घटना हुई है जिसमें अभी तक जो सूचना मिली है इसमें एक ऑपरेटर है जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, उसको कुछ चोट लगी है, उसको हम लोगों ने हॉस्पिटल भिजवा दिया है। उसके अलावा किसी और के चोटिल होने के या हताहत होने की अभी कोई सूचना प्राप्त नहीं है। मौके पर प्रशासन भी है, पुलिस की पूरी टीम लगी हुई है और SDRF की टीम भी यहाँ पर उपलब्ध है। जैसे ही अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमारे पास समस्त संसाधन हैं, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। और मेरा सभी आसपास के जो रहवासी हैं उनसे निवेदन रहेगा कि अगर उनको किसी प्रकार का कोई वाइब्रेशन या किसी प्रकार की कोई दिक्कत या उनके बिल्डिंग में किसी प्रकार की कोई टूट फूट हुई है, दुर्घटनाग्रस्त हुई है, तो वो बिल्डिंग को खाली कर दें और प्रशासन के इस पूरे प्रोग्राम में उनका सहयोग करें और सूचित भी करें कि अगर ऐसी कोई दुर्घटना होने की संभावना है तो, ताकि उनकी सुरक्षा के लिए उस बिल्डिंग को खाली कराया जा सके और जो भी उसमें उनके हेल्प है वो किया सके। सर मुख्य मार्ग पर है और ये शहर का हृदय स्थल के पास भी है, तो ये मतलब लोगों की आवाजाही का केंद्र भी रहता है 24 घंटे, मतलब ऐसे में आदमियों के नहीं होने की संभावना से सर कितना है? हाँ, अभी संभावना से इंकार नहीं कर सकते हैं, पर जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उनके स्टेटमेंट्स के बेसिस पे ये मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने ये बोला है कि अभी इसमें यहाँ पर इसके नीचे कोई और व्यक्ति नहीं है। हम लगातार संपर्क कर रहे हैं, लाउड हेलर से भी बात कर रहे हैं, लोगों से और तस्दीक करवा रहे हैं। पूरा प्रयास रहेगा कि अगर कोई इसमें दबा भी होगा तो उसको हम लोग यहाँ से सकुशल बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। और अभी हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है, हम लाइटिंग की व्यवस्था कर रहे हैं, बिजली की जो यहाँ पर लाइन गई हुई है उसका कनेक्शन काट दिया गया है। अभी प्राइमा फेस से ये भी पता लगा है कोई पाइपलाइन भी नहीं है और कोई भी यहाँ पर गैस की पाइपलाइन भी नहीं गई हुई है, तो अभी फ़िलहाल किसी प्रकार के किसी हैजर्ड की यहाँ पर सूचना नहीं है, लेकिन हमारी टीम मुस्तैद है और होपफुली हम जल्दी इसको रिकवर कर लेंगे। जिनके द्वारा निर्माण कराया जा रहा था नगर पालिका द्वारा 7,000 रुपये का जुर्माना किया गया था कुछ दिन पहले? नहीं, बिल्कुल इसकी हम लोग अभी पोस्ट जो इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है वो ज़रूर करेंगे। नगर पालिका से भी हम संपर्क में हैं, उनकी तरफ से जो भी जानकारी प्राप्त होगी उसके खिलाफ़
कानूनी कार्रवाई बिल्कुल की जाएगी। सोनू बजाज का कोई नाम आ रहा है सर? मैं अभी इस चीज़ की तस्दीक नहीं कर सकता, बट अगर कोई भी व्यक्ति इसका नाम आएगा उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी।